दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स से सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग एक साथ तो नहीं खा सकते हैं लेकिन हाँ अगर हम लोग इस प्रकार से लड्डू बनाकर अगर खाए तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और ठंडी के मौसम में तो सभी लोगों को ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो या फिर ड्राई फ्रूट्स खाना ही चाहिए क्योंकि सेहत का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है तो दोस्तों जब हम लोग घर में सामान लेकर आते हैं तो साथ में ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आते हैं हम लोग महीने भर में उपयोग तो करते ही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारी जब बच जाती है तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इकट्ठा कर लेना है जिन्हें हमें आ, मतलब ड्राई करना है या सेकना है और उसके बाद में हमें दरदरा सा पीसना है तो बा, और जिन्हें नहीं पीसना है उन्हें हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं तो आज मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सेक कर दरदरा सा पीस लिया है और पूरा इकट्ठे इसका पेस्ट बनाकर हमने नारियल की शक्कर वगैरह सारी चीज़ें इसी में मैंने कर दी है मिक्स और हल्का हल्का ठंडा पानी डालकर मैंने बना लिए है ठंडी के मौसम के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दोस्तों बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने का भी और हमारे सेहत का ध्यान रखने का भी तो दोस्तों कैसे लगे मेरे ये ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों बेस्ट अगर देखने में अगर हमको लगाना है तो शक्कर को पीस कर इसका पाउडर बना लेना है और लड्डू को कोटेट कर देना है तो हमारे लड्डू बहुत ही सुंदर दिखेंगे और समझ में भी नहीं आएगा कि ये हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है या रवे के लड्डू है या फिर और किसी चीज़ के लड्डू है तो चलिए आज हमारे ये ड्राई फ्रूट्स के सारे लड्डू ठंडी के मौसम के लिए बनकर रेडी हो चुके हैं आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए थैंक यू